They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys. लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूएस गवर्नमेंट ने अदर सिम्बियोट जैसे कि रायट, फेज, लेजर, स्कॉन और एगोनी को कार्नेज को खत्म करने के लिए भेजा है। स्पाइडरमैन भी कार्नेज से बचकर एक सिक्योर लोकेशन पर पहुंच गया है। और इधर कार्नेज ने एक लेडी और उसके बच्चे को पजेस करके उसे अपने हस्बैंड को मारने के लिए भेजा है। अब आगे लेबरटॉन शहर के मीट पैकिंग फैक्ट्री में कार्नेज का डॉपलगैंगर बचा हुआ मीट खा रहा था, तभी उसे एक डॉग की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल सिम्बियोट लेजर उस पर अटैक कर देता है। लेजर बस उसे मारने वाला होता है कि ऑफिसर मार्कस, जो लेजर को कंट्रोल करता है, उसे पीछे हटने के लिए बोलता है। लेजर पीछे हट जाता है और वो छोटा कार्नेज वहां से भाग जाता है। तभी उस रूम में सभी सिम्बियोट सोल्जर्स आ जाते हैं। ऑफिसर मार्कस बोलता है कि एक जख्मी जानवर हमेशा अपने घर जाता है। ऑफिसर ओग्लिन उस एरिया को सिक्योर करता है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सिम्बियोट्स कौन एके डॉक्टर टेविस वहाँ से गायब है। लेफ्टिनेंट राइको उन्हें बताता है कि वो अभी भी टूल्स दिख रही है और उसने उसे लाने की कोशिश करी, बट वो नहीं मानी। गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिम्बियोट्स और उनके ओनर के नाम दिए हुए हैं और अब आगे से ही हम सिर्फ सिम्बियोट के नाम यूज करेंगे। सिम्बियोट लेजर फेज से कहता है कि क्या तुमने क्वाड मैनुअल ज़ेनोफॉर्म को देखा है। फेज उसे रिप्लाई करता है कि अगर तुम उस कार्नेज की बात कर रहे हो जो स्पाइडरमैन की तरह दिखता है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो वेस्ट की तरफ भागा है। लेजर बोलता है कि 5 मिनट में यहां से निकलेंगे और ये श्योर करेंगे कि कार्नेज की आखिरी संडे मॉर्निंग हो। एगोनी स्कॉन से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कई सारे नाइफ्स के सामने खड़े होकर बोलती है विंडो शॉपिंग। इधर डेवरटॉन के चर्च में कार्नेज एक प्रीस्ट बनकर लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और अब उसे एक सैक्रिफाइस चाहिए। सभी लोग अपने हाथ से अपना खुद का दांत तोड़कर सैक्रिफाइस दें। कार्नेज पजेस्ड अवेंजर्स भी वहीं पर खड़े होते हैं और कैप्टन अमेरिका को कार्नेज की ये हरकत नहीं पसंद आती। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं मगर कार्नेज उन्हें बोलता है कि शांति बनाए रखो, जब ये सब अपने दांत दे देंगे तो मैं उन्हें एक ओरल हाइजीन मॉडल दूंगा, ये तो तुम्हें खुश कर देगा ना। कैप स्ट्रगल करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पकड़ के रहेंगे। कार्नेज बोलता है कि ये पिछले बार जैसा नहीं है कि तुम मुझे पकड़ लोगे। पावर ऑफ लव वगैरह का यूज करके डेवरटॉन में सिर्फ हेट है, यहाँ कोई लव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने कल रात को ही एक माँ और उसके बेटे को अपने हस्बैंड को मारने भेजा है, यहाँ कोई लव नहीं है। और भगवान से दुआ करो कि मैं तुम्हें भी उनके साथ ना भेज दूं। इधर स्पाइडरमैन सेफ हाउस में आराम से सो रहा होता है कि तभी एक लड़की उसे जगाती है। स्पाइडरमैन को पता चलता है कि एरिक नाम का एक आदमी, वही जिसने पहले स्पाइडरमैन की हेल्प की थी, वो गेट से बाहर जाने के लिए परेशान है पर बाकी सभी लोग उसे रोक रहे हैं। तभी एरिक अचानक से एक ट्रक लेकर निकल जाता है। स्पाइडरमैन पूछता है कि आखिर एरिक इतना परेशान क्यों है। बाकी के लोग उसे बताते हैं कि बाहर हैना, कोल और बेकी खड़ी है जो कि एरिक की वाइफ और बच्चे हैं, और इन तीनों को बाहर होना किसी के लिए भी सेफ नहीं है। तभी एरिक मेन गेट के पास पहुंचता है और गेट खोलने को कहता है। गार्ड्स के उसकी बात न मानने पर वो ट्रक से गेट को तोड़ देता है। वो अपने वाइफ और बच्चों के पास पहुंच जाता है पर उसकी वाइफ उसे बोलती है कि हमें एक दूसरे को गुड बाय कहना होगा, यही एक तरीका है कि मैं अपने बच्चों को सेफ रख पाऊं। इतना बोलते ही हैना के ऊपर कार्नेज आ जाता है और वो एरिक को मारने के लिए आगे आ जाती है। तभी स्पाइडरमैन अचानक से आकर कार्नेज को रोक लेता है मगर स्पाइडरमैन पर हैना के बच्चे अटैक कर देते हैं। हैना दोबारा से एरिक के ऊपर चढ़ जाती है। वो उसे बताती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और सिर्फ यही एक तरीका है कि वो अपने बच्चों को मरने से बचा सकती है। इतना सुनने के बाद एरिक चिल्लाकर बोलता है कि ठीक है जल्दी करो, मगर कार्नेज उन्हें एरिक को मारने से रोक लेता है। कार्नेज बोलता है कि अब मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, कोल अपने सिस्टर को लो और वापस आ जाओ। वो एरिक से बोलता है कि मैं इन्हें वापस ले रहा हूँ और अब मैं इन्हें खाकर मजा लूंगा। एरिक स्पाइडरमैन से रो रो कर बोलता है कि वो उन्हें मार देगा। स्पाइडरमैन उसे बोलता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, आई प्रोमिस। इधर स्पेशल फोर्सेस की टीम चर्च के पास पहुंच जाती है पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। तभी रायोट को कुछ दिखता है और टीम को रुकने के लिए कहता है। अगले ही पल एक लड़की चर्च से निकलते हुए आती है और उन सभी से बोलती है कि यहां से चले जाओ, सिविलियन होने की वजह से कोई फायर नहीं करता है। तभी वो लड़की अचानक से कार्नेज में बदल जाती है। कार्नेज को दिखता है कि फेज उस पर शूट करने लगता है और वो लड़की गिर जाती है। फेज कहता है कि मैंने खुद शूट नहीं किया बल्कि मेरे सिम्बियट ने ऐसा किया, जरूर ये दोनों सिम्बियट एक दूसरे से हेट करते होंगे। फेज के शूट करने के बाद कार्नेज को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बुलेट प्रूफ रहता है। तभी कई सारे कार्नेज पजेस्ड सिविलियंस उन्हें घेरने लगते हैं और सारे स्पेशल फोर्सेस की टीम अलोंग विद देयर सिम्बियट्स उनसे फाइट करने लगती है। इधर चर्च के अंदर
कार्नेज एक ही क्लेटस कैसेडी सिविलियंस को टॉर्चर कर रहा होता है और एरिक की वाइफ हैना और उसके बच्चे वहां पर पहुंच चुके होते हैं। उसके बच्चों पर इनी मिनी माइनी मो करके डिसाइड करता है कि पहले किसको खाएगा। कैप बगल में ही खड़े सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। कार्नेज कैप से कहता है, सुना तुमने, लगता है तुम पहले उसके बच्चों को खाओगे। कैप नहीं कहने की कोशिश करते हैं। कार्नेज उस पर चिल्लाता है कि बहुत स्ट्रांग हो, पर जब मैं ऑर्डर दूं तब शांति से। तभी कार्नेज को अचानक से गनशॉट की आवाज सुनाई देती है। कार्नेज का ध्यान जरा सा भटक जाता है और कैप इसका फायदा उठाकर अपनी शील्ड की हेल्प से कार्नेज को खुद पर से हटा लेते हैं। कार्नेज दोबारा उन्हें पजेस करने की कोशिश करता है, मगर तब तक कैप इमरजेंसी कॉल कर चुके होते हैं। कैप बोलते हैं कि मैं स्टीव रॉजर्स बोल रहा हूं। जितना जल्दी हो सके मेरे लोकेशन पे कोड नेम 4563 को भेजो। रिपीट 4563। कार्नेज दोबारा उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने किसे बुलाया, जल्दी बताओ। कैप बोलते हैं कि ये सीक्रेट है। अवेंजर्स ब्लैक ऑपरेटर विक्टर एडवर्ड ये इमरजेंसी कॉल रिसीव करता है और वो तुरंत कोड 4563 एग्जीक्यूट करता है। एक सोल्जर यानी कि कोड 4563 गन उठाते हुए बोलता है कि शायद कैसेडी को मारने के लिए तुम रेडी हो जाओ। उसके बाद सिम्बेट रिप्लाई करता है कि मुझे कभी उसका सूट पसंद नहीं आया, बट पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। बट सही हुआ कि नहीं किया, क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है। अगले सीन में एंटर फ्लैश थॉम्पसन, एके एजेंट वेनम यानी कि कार्नेज का बाप। गाइज, ये था कार्नेज यूएसए का एपिसोड 3। इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू है इशू 4 में, जिसे हम एपिसोड 4 में दिखाएंगे। इस अमेजिंग कॉमिक स्टोरी लाइन को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। और गाइज, अगर आप सभी ने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।